हेलो फ्रेंड्स, भोजन पोटली में आज हम आपके लिए लेकर आए यम यमी मलाई कोफ्ता। जी हाँ, मलाई कोफ्ता, वो भी बिना फ्राई के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 टमाटर लिए और उसके साथ अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से काजू डाल के उसके एक प्योरी बना ली है। अब इसके बाद मैंने एक पैन चढ़ाया और उसमें तेल या घी, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो डाल के, सारा साबुत खड़ा मसाला डाला और जीरा डाल के मैंने 2 प्याज बारीक चॉप करके रख लिए थे, उनको सॉटे कर लिया है। प्याज जब हमारे सॉटे हो गए हैं तब मैंने उसमें अपनी टमाटर की प्यूरी डाल दी है और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। इसी टाइम पे मैंने थोड़ी हल्दी भी डाल दी है। इसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, और उनको भी सॉटे कर लिया। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई, आप जो भी डालना चाहें वो डाली। मलाई ने अपना घी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला और इसे ढक के रख दिया। अब हम स्टफिंग बना रहे हैं। स्टफिंग के लिए मैंने बादाम और काजू को हल्का दरदरा कर लिया था, उसमें काट के किशमिश, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया और थोड़ा सा नमक डाल के उसकी एक स्टफिंग तैयार कर ली। हमारी कोफ्ते की स्टफिंग है। इसके बाद मैंने मैश किया हुआ पनीर लिया, उसमें 2 उबले हुए आलू भी मैश करके मिलाए, थोड़े से ब्रेड क्रम्स, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, कसूरी मेथी, आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। इसका एक डोसा लगा लिया है। अब इसमें से मैंने एक छोटी सी लोई ली, उसको फ्लैट किया, उसमें अपनी स्टफिंग जो भी हमने बनाई थी ड्राई फ्रूट्स की वो फिल करी और इसको एक अच्छे से रोल कर दिया है। देखिए सारे मैंने कोफ्तों की शेप दे दी है। फिर से मैंने एक नॉन स्टिक पैन चढ़ाया, उसको हल्का सा ऑयल या घी से ग्रीस किया और उसमें अपने सारे कोफ्ते रख के इनको अलट पलट करते हुए सेक लिया। इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। इसमें मैंने एक कोफ्ते डाल दिए और एक बॉयल दिला लिया। उसके बाद ऊपर से सर्विंग के टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और क्रीम डाल दी है। तैयार है हमारे टेस्टी एंड यमी मलाई कोफ्ता। फ्रेंड्स, हमारी सारी रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। थैंक